पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा सुसाइड अटैक हुआ है। इस धमाके में 44 लोगों की जान चली गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक हफ्ते के अंदर यह दूसरा बड़ा ब्लास्ट है। यह धमाका जमियत उलेमाए इस्लाम फजल की बैठक के दौरान आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में अभी तक 44 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनमें से 20 की हालत अभी तक नाजुक बनी हुई है। बाजौर इलाके में जमियत उलेमाए इस्लाम फजल की बैठक चल रही थी, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और जब तक लोग कुछ समझ पाते चारों ओर चीख पुकार मच गई और शवों के ढेर लग गए। एक शख्स अपने शरीर पर विस्फोटक बांधकर पहुंचा था और स्टेज के पास उसने खुद को उड़ा लिया और उसके साथ में दूसरे लोग भी जिन्हें धमाके के आसपास मौजूद थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। पुलिस ने अलर्ट घोषित करते हुए हमलावरों की तलाश अब शुरू कर दी है। इस धमाके से पूरा पाकिस्तान दहल गया है। एक ही पल में धमाका हुआ और 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कैसे हुआ। मैंने पहले छोटी चिंगारी देखी और जोरदार धमाका हो गया। मैं स्टेज के नजदीक बैठा था और हमारे लीडर स्टेज पर बैठे थे। धमाके के बाद सैकड़ों लोग जमीन पर पड़े थे और कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे, बहुत फायरिंग। हमने पहले अपने लीडर्स को वहां से हटाया। ये धमाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा सूबे के बाजौर इलाके में उस वक्त हुआ जब जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल की बैठक चल रही थी। एक जोरदार धमाका हुआ और जब तक लोगों को कुछ समझ आता चारों ओर चीख पुकार और लोगों की लाशें और घायल लोग पड़े हुए थे। हमारे ज्यादातर घायल साथियों की हालत बहुत गंभीर है, हम उनको पेशावर शिफ्ट कर रहे हैं। मेरी गवर्नर और प्रशासन से प्रार्थना है कि वो इन मरीजों के अच्छे इलाज के लिए इंतजाम करें। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो ब्लड डोनेशन के लिए अस्पताल जाएं। पुलिस की जांच में निकल कर आया है कि एक आत्मघाती हमलावर अपने शरीर पर विस्फोटक बांध कर लाया था और मजलिस के बीच उसने धमाका कर दिया। हमले में 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से 20 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हमले की पूरे पाकिस्तान में निंदा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में बात करते हुए मौलाना सवाल खड़े कर रहे हैं कि धर्म गुरुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। चार दिन पहले एक मस्जिद को धमाके से उड़ा दिया जाता है, आज यहाँ पर एक इज्तिमा को धमाके से उड़ा दिया जो है उसमें धमाका कर दिया जाता है। हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद 9/11 के बाद जो हमारे मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की गई थी उसमें कामयाबी हासिल की। हमारे 80,000 से लोग ज्यादा शहीद हुए, उसमें 8,000 उलमा शहीद हुए। अब एक बार फिर अगर कोई ये समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस दहशतगर्दी की जंग को मुसल्लत कर देगा और हमारे लोगों का इस तरह कत्लेआम करेगा तो ये काबिले कबूल नहीं है। पूरी कौम अपने सलामती के इदारों अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और मैं जमीयत उलमा इस्लाम और उनके क्यादत और उनके कारकुनान के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साथियों के साथ ताजियत भी करता हूँ। ये हम सब का, ये खून पाकिस्तानियों का खून बहा है। खैबर पख्तूनवा सूबे के इंस्पेक्टर जनरल के मुताबिक इस धमाके में 10 किलो डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अलर्ट पर है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि आतंकी उन अस्पतालों को भी निशाना बना सकते हैं जहां घायलों का इलाज चल रहा है। इसलिए अफरा तफरी के बीच अस्पताल में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब ये हुकूमत पे जिम्मेदारी आयद होती है और हुकूमत को ये काम करना चाहिए कि अव्वल जिस तरह भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुतालबा किया है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात हो। इतना बड़ा इज्तिमा अगर हो रहा था तो आज सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्या वजह थी? और निगरान हुकूमतों को बिलखसूस मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा वो इस तरफ तवज्जो दें, कहीं थोड़ी सी हमारी कोताही से वो जंग जो हम जीत गए थे, हमारे बाजार, हमारी मस्जिदें, हमारी इमाम बारगाहें, हमारे स्कूल कॉलेज अमन के गहवारे बन गए थे। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त बैठक में 500 से ज्यादा लोग थे, जिनमें कुछ बच्चे भी थे।
इसी हफ्ते खैबर पख्तूनवा के अली मस्जिद इलाके की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।